वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से संवाद नंबर 213 जारी हो गया है। आज आप देख सकते हैं 4th जो मई है उसकी यहां पर उन्होंने डेट है। जो संवाद है आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट अर्हता वाले विभिन्न पदों पर जारी परीक्षा परिणाम के संबंध में, यानी कि जो कनिष्ठ सहायक से संबंधित जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा में जो आपने देखा होगा कुल 759 पद सम्मिलित थे। इनमें 530 पद ऐसे हैं जिनके लिए टंकण परीक्षा यानी कि 4000 KDPH जो है अनिवार्य है। अभ्यर्थी अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप टंकण परीक्षा के लिए 1.4:1 के अनुपात अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने का हुआ है। इसी कारण 2086 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के लिए चयन सूची में स्थान मिला है, यानी कि जो कि ऑलरेडी जो है आयोग ने उसी दिन रिजल्ट जब घोषित किया था तभी कहा था कि 1/4 जो है कैंडिडेट यानी कि बुलाए जाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने आगे जो कहा है कि वो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको समझना है कि नंबर पॉइंट 2 में कि शेष 227 पदों पर टंकण एक अनिवार्य अर्हता नहीं है, यानी कि जो बहुत सारे ऐसे पद हैं जहां पर टंकण की जरूरत नहीं है वो है 227। इसके आगे कहा अतः वर्तमान चयन सूची में स्थान प्राप्त जो अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में भाग नहीं लेंगे या टंकण परीक्षा में अनहर होते हैं यदि वे मेरिट लिस्ट में है तो इन 227 पदों के लिए वह अहर होंगे। टंकण में अहर अभ्यर्थी सभी पदों के लिए पात्र होंगे, यानी कहने का मतलब है अगर आप टंकण परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आप सभी जितने भी पद हैं यानी कुल 759 के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर आप टंकण परीक्षा में नहीं शामिल होते हैं तो आप केवल 227 पदों के लिए ही एप्लीकेबल हो। उसके आगे उन्होंने कहा है कि टंकण परीक्षा के बाद ही इन पदों पर चयन हेतु अभिलेख सत्यापन का आयोजन किया जाएगा, यानी कि जो DB होगी आफ्टर टाइपिंग के बाद ही होगी। और जो टाइपिंग होगी हमने आपको रिसेंटली एक वीडियो में बताया था कि जुलाई से पहले जो है टाइपिंग स्टार्ट नहीं होनी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा जो 4th पॉइंट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि टंकण परीक्षा की तिथियाँ आयोग द्वारा शीघ्र ही आयोजित की जाएगी, जिसका जवाब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जुलाई के आसपास ही होने वाली है। तो स्नातक स्तर की जो DB होगी उसके बाद ही यहाँ पर टंकण परीक्षा होगी, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो कनिष्ठ सहायक के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।